चलो 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 बार भी ऐसा लगे कि न्याय अरे मोबाइल नीचे मोबाइल आप लोग की जिम्मेदारी है कि उसको एहसास कराए कि भाई वो सेफ है और न्याय है सोर्सी की दुराई से राक्षस की कोई जाति जिसने इतना घिनौना कदम उठाया है उसकी कोई जाति नहीं है कोई समुदाय नहीं हाँ उसका कोई समुदाय नहीं ऐसे व्यक्ति को समाज में जो है नंगा होना चाहिए उसको जेल जाके उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए मैं सुबह अस्पताल में पहुंचा था सफदरजंग और जो घटना हुई है इसे करने वाला कोई भी लेकिन वो समाज के लिए ऐसा अपराधी है जिसकी समाज में कोई जगह नहीं तो मैं यहाँ पीड़ित परिवार के पास क्योंकि मुझे पता लगा कि एक बच्चा जो है परिवार से उसने भी आत्महत्या कर ली। अब हम यहाँ गए तो मैं अपनी टीम से जानकारी लूंगा क्या इनके पास क्या इनपुट है और मैंने दूसरा प्रशासन के लोगों ने निवेदन किया कि दोषी कोई भी उसको जेल भेजा जाए। ऐसे लोग अगर बाहर रहेंगे तो ये समाज के लिए बहुत ऐसी बात है कि मतलब दूसरे व्यक्ति को खतरा रहेगा तो सपोज समय वो बेटी किसी समाज की हो और वो दोषी किसी समाज का उसको सजा मिलनी चाहिए। जल्दी जल्दी पुलिस को जो है अरेस्ट करें और जेल भेजें और निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए दोषी व्यक्ति को छोड़ा जाए उसके लिए चाहे वो सरकार के किसी व्यक्ति का व्यक्ति हो या कोई भी हो उसके लिए कोई जगह नहीं वो जेल जाए। मेरा आने का उद्देश्य था कि पीड़ित परिवार को यह महसूस ना हो कि कमजोर है उसके पीछे उसके साथ कोई है नहीं पूरी भीम आर्मी उसके साथ खड़ी है पूरा समाज उसके साथ खड़ा है। आपको भरोसा है कि जो अपराधी हैं वो सही पकड़े जाएंगे काम सही ढंग से होगा? देखिए पूरा भरोसा है और अगर कहीं वो रहेगी तो अभी भीम आर्मी है हम लोग फिर प्रोटेस्ट करेंगे सड़क पे आएंगे अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा हमें लगे कहीं से भी एक बार हमें ऐसा लगा कि हमारे साथ छल हो रहा है तो ऐसा नहीं हो पाएगा।